वो जानते अतिया बूझ बहन, कर। अतिया बहन, एक जरूरी बात मेरे जेन में आ गई कि ये जो हीरा मंडी है इनकी, जिसको ये दारोजाफ्त कहते हैं, जहां पे एक्स मुरब्बी साहब ने बताया था कि मुरब्बियान सदर लजना की बेटियों को ला के वहां पे दारोजाफ्त के अंदर जना करते हैं, आपके सामने उन्होंने ये बातें बयान की थी। जी मैंने उस सुनी। हीरा मंडी से लोग खाना खा के ये मलंग कुछ मर भी गए थे। हाँ अच्छा कि आपने मुझे याद करवाया, वो मल्लम साहब थे मीरपुर आजाद कश्मीर से आए थे रब्बा अपने बच्चों को मरकज दिखाने, जियारत करवाने। उस ठीक है हीरा सर। मंडी की हाँ जी वो मरकज, जियारत मरकज तो कराने नहीं लाए है, हीरा थे। मंडी है। आपने तो बताया कि गली गली आवारा जी गर्दी और जना और दो नंबरी आपने तो वहां पे देखी है, आपने इसके अलावा भी कुछ बिल्कुल, देखा है? मैंने यही कुछ देखा ना। उनके वहां के लड़के पढ़ते हैं, उनको ये होता है कि बकरी वीजे पे बाहर जाना है। उन्होंने मजाक बनाया हुआ उधर, कहते हैं कि ना खोते के पता नहीं क्या, फिर आपको मैं लफ्ज बोलूं कि उन्होंने बोला कि खोते पे अगर मोहर लगा देना अमेरिका कनाडा की तो उसको भी रिश्ता मिल जाता बाहर बाहर का। ठीक है ना। तो अगर लड़कियों का उन्होंने नाम रखा हुआ जी बकरी वीजा, के कनाडा अमेरिका में जो लड़कियां हैं वो बकरियां हैं, उनके वीजे पे हम लोगों को बुला लेते हैं ये लोग। ये चलो चीज ये है, बिल्कुल बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा प्यारा नाम है इन कादियानी मलंग मलंगों का। मैं तो कादियानी मलंग मलंगनिया कहता था, अब बकरी भी पता चल गया। आप वो जो उस हीरा मंडी हाँ से जी। खाना खा के जो मर गए थे उनके बारे में कुछ बताएं। वो बता रही थी कि वो मल्लम साहब थे बेचारे, उनका मुझे बहुत अफसोस है, बड़े अच्छे आदमी थे वो। उनके तीन बेटे थे, एक बेटा उनका छोटा था 1.5 साल का, तो दो बेटे उनके, एक 9 साल का एक 12 साल का बच्चा। वो उन दोनों को, तीनों बच्चों के साथ बीवी के साथ कश्मीर से रब्बा आए थे मरकज दिखाने, और दारू जियाफत में कमरा लिया हुआ था, वहां रह रहे थे। तो वो उन्होंने दारू जियाफत से खाना खाया, उसके बाद रात को उनकी तबीयत खराब हो गई, सारे सारों की, मतलब मलम साहब की भी, हो सकता है किसने उनको कुछ दिया ये समझ नहीं आई क्या वजह थी। बहरहाल उनके सारे पूरी फैमिली की ना तबीयत सख्त खराब हो गई, तो एम्बुलेंस मंगवाई तो हॉस्पिटल भेजा उनको, हॉस्पिटल वालों ने उनको थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करके वापस भेज दिया। रात के 2 बजे जब दोबारा तबीयत वो संभली नहीं उनकी, तो वापस अस्पताल ले गए। हालांकि फजले उम्र, और आपको पता है दारू जियाफत में कितना एक फासला है, 5 मिनट का भी नहीं है ख्याल में गाड़ी पे जाएं तो। जी, वो फिर दोबारा ले गए उनको, तो जब वहां पे देखा तो वो जो बच्चे थे ना दो, उनके एक 9 साल का और एक 12 साल का, वो सरवाइव नहीं कर सके। वो सुबह 8-9 बजे तक मर गए दोनों बच्चे उनके। और अल्लाह माफ जो करे। जो मल्लम साहब थे और उनकी जो बीवी थी ना, वो बेचारी काफी ज्यादा सीरियस थे, आईसीयू में थे दोनों, और सबसे छोटा बच्चा भी आईसीयू में था। तो जब उन दो बच्चों के जनाजे बाहर लेके आए, लोग बहुत ज्यादा रब्बा में शोर पड़ गया कि ये क्या हुआ, दारू जियाफत में रुके हुए थे, कैसे ये इनको कुछ हो गया। तो फिर वो कहने लगे जी ये गुलशन बेकरी से इन्होंने खाया था पिज्जा, तो वो पिज्जा खाने की वजह से ये मर गए। तो गुलशन बेकरी वालों को जी सील कर दिया जमात ने, जमात ने ये कर दिया, जमात ने वो कर दिया। बहरहाल उन बच्चों का कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ किसी किस्म का, मुझे नहीं लगता कि आगे कोई कार्रवाई हुई है। तो वो फिर मल्लम साहब को जब होश आया तो वो बेचारे अपने बच्चों को दफना के, तो ये जियारत करके रब्बा से वापस चले गए। और सबसे छोटा जो है वो बच गया था, क्योंकि वो बहुत छोटा था, अभी खाता पीता नहीं था इतना कुछ भी, थोड़ा बहुत ही उसने कुछ चखा था जिससे उसकी तबीयत खराब हुई थी। जजाकला अतिया बहन।